राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने एक नया ट्रैक्टर, इसका नाम है कुबोटा MU5501। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर माना जाता है, विदेशी कंपनी का ट्रैक्टर माना जाता है और ये भी थोड़ा थोड़ा सॉलिड से मैच करता है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अपने सेगमेंट का काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर माना जाता है। अभी ये लहसुन की बुआई पर चल रहा है, अभी हम आपको चलाते हुए भी दिखाएंगे। उसके बाद हम इसके जो ओनर हैं उनका भी हम उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि ये ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, कितना एवरेज देता है जुताई पर, कितना एवरेज देता है कटाई पर और किस तरीका ये ट्रैक्टर है, कब लिया था और कोई उनको प्रॉब्लम है, कितना सर्विसिंग में इसका चार्ज लगता है। तो बहुत ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं, तो बने रहिए तिवारी जी की लाइफ के साथ में। ये देखिए, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर माना जाता है अपने सेगमेंट का। ये देखिए, लहसुन की बुआई चल रही है। यहाँ पर आपको मशीन दिख जाएगी लहसुन की, किस तरीके से लहसुन बोया जाता है खेतों में, हम वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता इसके अंदर लहसुन डालते हुए दिख रहा होगा आपको, एक एक पीस करना पड़ता है और ये आपको दिख रहा है बीच में डाला जा रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर चलता है धीरे धीरे स्पीड पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें सर क्या है, खाद है, ये खाद भी डाली जाती है इसमें साथ में। ये देखिए मशीन लहसुन की किस तरीके से, तो भैया यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ हम बातें उनसे करते हैं और पूछते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम। तिवारी जी की लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात ये है कि ये जो कुबोटा है, कब लिया था आपने ये? 2018 में लिया था। 2018 मॉडल है, मतलब आपका ट्रैक्टर करीब करीब 3 साल पुराना हो चुका है। तो 3 साल में आपको इसकी सर्विस कैसी लग रही है? बढ़िया सर्विस, अच्छी सर्विस। अच्छी सर्विस लग रही है सर। अगर बात करें इसकी जुताई पर, तो जुताई पर कितना एवरेज देता है ये ट्रैक्टर? ये 4 लीटर खाता है। 4 लीटर खाता है, हाँ, 1 घंटे में। खूब, अगर इसको गहरी जुताई पे भी चलाते होंगे? 5 लेता है गहरी जुताई पे, 5 लेता है। तो सर अभी तक आपने 3 साल में लिया, कोई परेशानी इस ट्रैक्टर के साथ? बिल्कुल नहीं परेशानी आती है, कोई परेशानी नहीं। आप काफ़ी खुश हैं? काफ़ी खुश हैं। अगर बात करें इसके हॉर्स पावर की, तो कितने हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है? 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो 55 हॉर्स पावर के हिसाब से अगर गहरी जुताई चलाते हैं तो 5 लीटर खाता है। आप कह रहे 5 लीटर खाता है, उसके अलावा 55 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है। अगर इसकी बात करें टॉर्क की, तो आपको टॉर्क पता है इसका कितना है क्या है? अच्छा, ये पता नहीं है। तो आपने जैसे हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी कंपनियां हैं, स्वराज है, महिंद्रा है, अभी तो सोलिस भी आ गया था उस समय, तो ये कुबोटा ही क्यों लिया? सोलिस वही आए थे पहले। हाँ हाँ, अच्छी चीज़ लगी थी। अच्छा, अच्छी चीज़ लगी तो ले ली। आपके पास यही ट्रैक्टर है या इससे पहले और कोई ट्रैक्टर था? 4 है मेरे पास। आपके पास टोटल 4 ट्रैक्टर हैं, कौन कौन से हैं? एक आइसर है, आइसर है, एक महिंद्रा शक्तिमान है और एक ड्यूसफार्म है। अच्छा, तो आपने चारों चलाए हैं, तो चारों में सबसे अच्छा कौन सा है? ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रैक्टर बेस्ट है मेरे। चारों ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी एक एक होता है ना यार कि ये मेरा राजा ट्रैक्टर है, तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा आपको लगा? सबसे अच्छा आइसर। क्यों? क्योंकि वो डीजल की खपत कम करता है। हाँ, कम करता है। अगर बात करें सर इसके मेंटेनेंस की, तो सर्विसिंग पे इसका कितना खर्चा आ जाता है? सर्विसिंग पे इसका आयल सहित मतलब 3,000 खर्चा आता है। आयल सहित इसका 3,000 खर्चा आ जाता है। और अगर बात करें इसके सिलेंडर की, कितने सिलेंडर में आता है ये? 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर में आता है 55 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है। तो किसान भाइयों, ये हमने भाई साहब से बात करवाई आपकी, अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लहसुन की खेती होती है। उसके बाद हम थोड़ा किसान भाइयों से भी बात करवाएंगे आपकी। तो ये भैया ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है, अब ये देखिए चलाएंगे। देखिए किस तरीके से लहसुन बोया जा रहा है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लहसुन की बुआई चल रही है।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए लहसुन दिख रहा होगा, ये लहसुन बोया जा रहा है, किस तरीके से मशीन के द्वारा लहसुन बोया जाता है। तो काफ़ी आधुनिकीकरण आ गया है हमारी किसानी खेती में भी। ये देखिए, पहले हम लोगों को सब हाथ से काम करना पड़ता था, अभी तो औजार हथियार आ गए हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर माना जा रहा है, बताया भाई साहब ने अपने सेगमेंट का, और काफ़ी हैवी ट्रैक्टर, सोलिस जैसा ही है, 55 हॉर्स पावर का है, 3 सिलेंडर के साथ में आता है ये ट्रैक्टर, और काफ़ी अच्छा लुक है, माचो लुक है, काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। और जब उन्होंने पूछा, उनके पास 4 ट्रैक्टर हैं, महिंद्रा है, आइसर है, कुबोटा है और एक और है, तो सबसे बेस्ट उन्होंने आइसर बताया। क्यों? क्योंकि डीजल की खपत आइसर कम लेता है। तो किसान भाइयों, आपने सभी ने देखा किस तरीके से हमारी लहसुन की बुआई होती है खेतों पर, और ये हमारे विदेशी कंपनी का ट्रैक्टर। ज़्यादा डिटेल तो टॉर्क पावर की हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसान को पता नहीं होता है। तो आपको जब कुवेता एजेंसी पे इसका हम रिव्यू करेंगे तो आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे कि कितना टॉर्क पावर के साथ में आता है, कितना इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है, और भी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। नलियों से देखिए लहसुन आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए तिवारी जी की लाइव के साथ में, ऐसे ही आने वाले समय में हम और भी ट्रैक्टरों का रिव्यू करने वाले हैं। ये लहसुन बपता हुआ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।